नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरॉइड्स में। मेरा नाम है अमित और हम लोग हैं हैदराबाद में, जो कि है मोतियों का शहर। और यहाँ पर भी हम लोग हैं इस खूबसूरत पैलेस में, जिसे कहते हैं ताज फलकनुमा पैलेस। और ये पैलेस जो है, ये जाना जाता है अपने राजसी अंदाज के लिए, अपनी लग्जरी के लिए, अपनी बेमिसाल हॉस्पिटैलिटी के लिए। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गाड़ी जो यहाँ पर खड़ी है किया कार्निवल, एक बार जब आप उसमें बैठ जाएंगे तो आपको उसी लग्जरी, उसी राजसी अंदाज का अनुभव होगा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो बाहर से भी ये गाड़ी देखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है, लेकिन हम लोग चलिए पहले अंदर बैठ के देखते हैं कि यहाँ पर जो लग्जरी है और जो फीचर्स हैं वो इतने ख़ास क्यों हैं। इससे पहले कि मैं आपको गाड़ी के अंदर ले चलूँ, ये जानना ज़रूरी है कि ये गाड़ी तीन वेरिएंट्स में अवेलेबल है, प्रीमियम, प्रेस्टीज और ये जो लिमोजिन वेरिएंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। यहाँ पर आपको कुछ खास फीचर्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस फीचर्स मिलते हैं। और ये जो तीन वेरिएंट्स हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। और उसके अलावा इस गाड़ी में आपको 7, 8 और 9 सीट कॉन्फ़िगरेशन भी मिलेगा। लेकिन ये जो लिमोजिन वेरिएंट है, यहाँ पर आपको सिर्फ 7 सीट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लग्जरी है ये कुछ खास है। तो चलिए अंदर चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये की ज़रा हम लोग देख लें। यहाँ पर आपको लॉक और अनलॉक का बटन मिलता है, और साथ ही साथ ये दो बटन्स मिलते हैं जो कि खास है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पीछे वाला डोर है ये स्लाइडिंग है, और इस बटन को इस तरह से होल्ड करके आप इस गाड़ी के डोर्स खोल सकते हैं। और ये मोटराइज्ड है, ये ऑटोमेटिकली स्लाइड होते हैं, तो एक बड़ी ख़ास चीज़ है। उसके अलावा इस चाबी का इस्तेमाल करके आप बूट भी खोल सकते हैं, बूट भी यहाँ पर मोटराइज है। और हम लोग बूट की ही बात कर रहे हैं, तो चलिए एक खास चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। अगर ये चाबी आपकी जेब में है और आप अगर इस चाबी को यहाँ लेकर के अपनी पॉकेट में आते हैं, आपके हाथ में कुछ सामान है, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ गाड़ियों में इस तरह से पैर स्विंग करके बूट खुलता है, लेकिन यहाँ पर अगर चाबी आपके पॉकेट में है तो जो बूट है खुद ब खुद 3 सेकेंड में खुल जाएगा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये फीचर जो है, आप इसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर आपके पास में फ़ीचर्स हैं, जिससे कि आप इस फीचर को चाहे तो इनेबल या डिसेबल कर दें। अब कुछ वक्त से मेरी तबीयत ज़रा ख़राब है, तो क्षमा चाहता हूँ, मेरी आवाज़ ज़रा आपको भारी लगेगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इससे ज़्यादा फ़र्क ना आए। अगर इस डोर को आपको मैनुअली खोलना है तो इसे सिर्फ एक बार इस तरह से प्रेस करना है, और ये डोर जो है ये इस प्रकार से मोटराइज तरीके से खुद ब खुद खुल जाएगा। एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि गाड़ी जब तक पार्क मोड में नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट मिलता है, तो जब तक आप गियर लेवर को पार्क में नहीं डालेंगे तब तक ये डोर जो है नहीं खुलेगा। ये इसलिए है ताकि गाड़ी जब दरवाज़ा खुल रहा है या कोई अंदर घुस रहा है उस वक्त चलना पड़े। चलिए अब अंदर बैठ के देखते हैं। डोर के ऊपर आपको ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम के स्क्रब प्लेट्स मिलते हैं, और ये सीट अगर आप देखेंगे तो ये सीट बहुत ही लग्जूरियस है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कंट्रोल्स नज़र आएंगे, और मैं आपको ज़रा एक एक करके कंट्रोल्स बताऊँ। इस कंट्रोल को यूज़ करके आप सीट को आगे और पीछे कर सकते हैं, और ये जो कंट्रोल है इसे अगर आप खींचेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा लेग सपोर्ट है ये निकल के आ जाएगा, और इसे आप एक एयरलाइनर लाउंज की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक लग्जरी लिमोजिन में जिस तरह की सीट होनी चाहिए, इसे वीआईपी सीट कहा जाता है, और ये सीट यहाँ पे आपको मिलेगी जिस पर आप प्रॉपरली लाउंज कर सकते हैं। ये जो आप कंट्रोल यहाँ पे देख रहे हैं ये काफ़ी ख़ास है, इसे आप इस तरह से खींच के इस सीट को लेफ्ट या राइट भी कर सकते हैं, ताकि आप पीछे जाने वाले पैसेंजर्स के लिए जगह बना सकें, या फिर अपना डिस्टेंस जो है बाजू वाली पैसेंजर से वो ज़रा दूर कर सकें। इसके अलावा ये वाला जो यहाँ पर आप कंट्रोल देख रहे हैं, इसे खींच के आप इस सीट का जो रिक्लाइन एंगल है उसे चेंज कर सकते हैं। तो इन सारे तरीकों से ये जो सीट है ये एडजस्टेबल है, यहाँ पर आपको ये आर्मरेस्ट भी मिलता है। और अब चलिए इस पर बैठ करके देखते हैं कैसा लगता है। अंदर घुसने के लिए जो हाइट है ये आइडियल से बहुत ज़रा सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन फिर भी आइडियल से ज़रा ऊंचा है। अगर कोई छोटे कद का आदमी अंदर घुसेगा तो शायद उसे ज़रा सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अंदर घुसने के लिए यहाँ पर आपको ये हैंडल मिलता है ताकि आप इसे पकड़ के इजीली चढ़ सकें। और एक बार आप यहाँ पर बैठ गए तो आप इस तरह से सीट को रिक्लाइन करके ये जो लेग सपोर्ट है इसे आगे लेकर के इस सीट के मज़े ले सकते हैं। लेकिन जो एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई वो ये है कि आप इस सीट को इस तरह करके जब बैठते हैं तो आपके पास बहुत सारा लेग रूम होता है, लेकिन जब आप इसे इस तरह एक्सटेंड कर देते हैं तब आपके पास यहाँ पर सफिशिएंट लेग रूम नहीं है। तो अगर ड्राइवर ने अपनी सीट काफ़ी पीछे कर रखी है तो आप इस सीट को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये एक बटन मिलता है जिसे यूज़ करके आप इस डोर को स्लाइड कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं, और इसी को यूज़ करके आप इसे वापस खोल भी सकते हैं।
सामने और पीछे वाले पैसेंजर्स को अलग अलग सनरूफ्स मिलती हैं, और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर कंट्रोल भी है। इस तरह से आप वन टच कंट्रोल्स यूज़ करके इस सनरूफ को खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। जो ब्लाइंड्स हैं यहाँ पर, ये मैनुअल है और इन्हें आपको हाथ से इस तरह से बंद करना होता है। अब इस गाड़ी में आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, और यहाँ पर जैसा आप देख रहे होंगे आपको यहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ फ्लो कंट्रोल भी मिलता है, और इस तरह से आप फ्लो को बढ़ा या घटा सकते हैं। आप इसे ऑटो मोड पर डाल सकते हैं, और यहाँ पर आपको फ्लो किस तरह से चाहिए वो भी डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोड के लिए भी बटन है, चाहे तो इसे बंद कर दें और यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। जो एसी वेंट्स हैं आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और अगर आप डोर पैनल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक मीडियम साइज्ड बॉटल के लिए जगह मिलती है, और कुछ और स्पेस है। मेरे ख्याल से बड़ी बॉटल्स यहाँ पर नहीं आ पाएंगी। ये मैनुअल डोर हैंडल भी आपको दिया गया है, जिसे आप पुल करके इस दरवाजे को खोल सकते हैं इस तरह से। डोर पैनल पे जो इंसर्ट्स हैं ये वुड फिनिश में है, और बीच में आपको ये ब्लैक इंसर्ट दिया गया है। और जो विंडोज़ हैं ये ऑटो अप और ऑटो डाउन है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ब्लाइंड्स भी मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लग्जरी का क्वोशेंट है ये बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि आपको और किसी गाड़ी में नहीं मिलते हैं। अब जब हम लोग लग्जरी की बात कर रहे हैं, तो आपके जहन में अगर आप एक 7 सीटर गाड़ी की बात करें या फिर एक 8 सीटर गाड़ी की बात करें, तो शायद महिंद्रा मराजो या फिर टोयोटा इनोवा आएगी। लेकिन ये गाड़ी लग्जरी और फीचर्स के मामले में उन गाड़ियों से कहीं आगे है। इसका जो असल में कंपैरिजन है वो है टोयोटा की वेलफायर, जो कि अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई लेकिन कुछ वक्त में लॉन्च होने वाली है। वो गाड़ी इससे ज़रा छोटी है लेकिन इससे ज़रा ज़्यादा महंगी होगी। इसे आप चाहे तो मर्सिडीज़ की वी क्लास से भी कंपेयर कर सकते हैं। वो गाड़ी इससे ज़रा बड़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी है। तो लग्जरी के मामले में ये गाड़ी इस तरह की गाड़ियों में जो लग्जरी फीचर्स आते हैं वो सारे आपको मुहैया करवाती है। यहाँ पर आपको ये मैगजीन होल्डर मिलेगा, और ये जो सीट बेल्ट्स हैं यहाँ पर ये भी हाइट एडजस्टेबल हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो स्मार्ट प्योर एयर प्योरीफायर मिलता है, और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं आपको ये एयर क्वालिटी इंडेक्स की रीडिंग नज़र आएगी। ये देखिए, यहाँ पर एयर प्योरीफायर लगा हुआ है, और अगर आप इस नॉच को इस तरह से यूज़ करके इसे निकालेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये एक पेपर लगा हुआ है, और ये पेपर जो है ये एक्चुअली में परफ्यूम है। यहाँ पर आपको 3 तरह के परफ्यूम्स मिलते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, और इस गाड़ी को आपको अगर अंदर से फ्रेग्रेंस चाहिए तो आप इस परफ्यूम को यूज़ करके गाड़ी के अंदर जो खुशबू है वो चूज़ कर सकते हैं। आपके पास 3 परफ्यूम्स हैं चूज़ करने के लिए, और आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसे हम अभी वापस लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में क्लस्टर आयोनाइज़र भी है, जिससे कि अंदर की हवा जो है काफ़ी शुद्ध रहती है, अंदर किसी तरह की कोई ओडोर या ख़राब स्मेल नहीं आती है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिलेंगे, और साथ ही साथ एक जो बहुत ही ख़ास फीचर है यहाँ पर वो ये है कि आपको ये 220 वोल्ट्स का एक 2-पिन सॉकेट मिलता है, जिसके द्वारा आप अपने लैपटॉप्स भी चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये एक USB सॉकेट भी मिलता है, लेकिन ये जो चीज़ है ये काफ़ी काम की है, क्योंकि आप अदरवाइज़ कभी गाड़ी के अंदर अपना लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकते। यहाँ पर ये आपको जो स्क्रीन दिख रही है ये 10.1 इंच की स्क्रीन है, और ये जो टॉप ऑफ द लाइन लिमोजीन वेरिएंट है वहीं पर आपको नज़र आएगी। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास में। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप USB के थ्रू, या फिर HDMI के थ्रू, या फिर AV-IN के थ्रू, या फिर आप अपने फ़ोन को भी मिरर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इन सारे तरीक़ों से अपना फ़ोन जो है वो कनेक्ट करने के बाद पीछे बैठ करके एंटरटेनमेंट जो है, आपको कोई वीडियो देखना है तो आप यहाँ पर बैठ करके देख सकते हैं। तो ये जो फीचर है ये दोनों ही पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए मुहैया करवाई गई है, लेकिन सिर्फ लिमोजीन वेरिएंट के अंदर आपको ये फीचर मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये 2 रीडिंग लाइट्स मिलती हैं। अब यहाँ पर अगर आप लग्जरी और कंफर्ट की बात करें, तो एक बात है, ये सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस तरह की लग्जूरियस और कम्फर्टेबल सीट आपको और किसी गाड़ी में देखने को शायद ही मिले। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो ये है कि ये सिर्फ ऊपरी दिखावा नहीं है। इस गाड़ी की लग्जरी और कंफर्ट को एनहांस करने के लिए बहुत सारे इंजीनियरिंग चेंजेस किए गए हैं, जिससे कि अंदर NVH लेवल जो है बहुत ज़्यादा एनहांस हो गया है। इस गाड़ी के अंदर आपको किसी तरह की बाहरी आवाज़ नहीं आएगी। सस्पेंशन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, तो जब आप इस गाड़ी में पीछे बैठ के चलते हैं तो जो एक कम्फर्ट का आभास है, जो एक साइलेंस का आभास है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा उभर के सामने आएगा, और एक जो लग्जरी की फीलिंग है वो यहाँ पर वाकई में आपको महसूस होगी। चूँकि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर ये जो लग्जरी सीट्स आप देख रहे हैं ये आपको प्रीमियम और प्रेस्टीज वेरिएंट्स में नहीं मिलते हैं। वहाँ पर आपको एक नॉर्मल कैप्टन सीट मिलता है, लेकिन वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। वहाँ पर आपको 7, 8 या फिर 7 या 9 कॉन्फ़िगरेशंस में सीट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। जो बेस वेरिएंट है प्रीमियम, वहाँ पर आपको 7 और 8 सीट वेरिएंट्स मिलते हैं, और जो मिड वेरिएंट है प्रेस्टीज, वहाँ पर आपको 7 और 9 सीट वेरिएंट्स मिलते हैं। 9 सीट जो वेरिएंट है वहाँ पर आपके पास 4 रोज़ है, 2, 2, 2
और सबसे पीछे जाकर के आपके पास 3 सीट्स हैं, और जो 8 सीटर वेरिएंट है वहाँ पर आपके पास 2, 3 और 3 का कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरीके से आप 7, 8 या 9 सीट कॉन्फ़िगरेशन चुन सकते हैं, और मैं आपको उसके बारे में और बताता हूँ। जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पर आपके पास 7 के अलावा 8 और 9 सीट ऑप्शन भी है। कि लेफ़्ट वाला जो आप देख रहे हैं ये 8 सीट ऑप्शन है, और यहाँ पर ये जो है ये 9 सीट ऑप्शन है। ये बेस वेरिएंट है प्रीमियम, और ये मिड वेरिएंट है प्रेस्टीज। चलिए देखते हैं वहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ पे आपको अंदर घुसने के लिए सीट को आगे या पीछे ऐसे करना होता है, और जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आपके पास 9 सीटें हैं, 2+2+2, 6, और पीछे आपके पास 3 सीट्स हैं। यहाँ पर आपके पास एक एक्स्ट्रा रो है जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो 1, 2, 3 और 4 रोज यहाँ पर आपके पास है। यहाँ पर अलग अलग वेरिएंट्स में जो आपके पास फीचर्स है उसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी इस रिव्यू में डाल दी है। और अब यहाँ पर हम लोग बैठ करके ज़रा देखते हैं कि स्पेस कितना है। और ये देखिए, यहाँ पर ये मैक्सिमम नी रूम है और ये मिनिमम नी रूम है। कहीं यहाँ पर हम लोग इसे अगर रखें और पिछली सीट पर बैठें तो देखते हैं कि आराम के क्या हालचाल है। अगर मैं इस सीट को पीछे ले लूँ तो सफिशिएंट नी रूम है, और जो सीट्स हैं कि रीज़नेबली कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है लेकिन मैं इन्हें रिक्लाइन कर सकता हूँ। और यहाँ से पूरा आयल मिलता है आपको पीछे जाने के लिए। आपको ऑप्टिमाइज़ करना होगा इन सीट्स को अगर आपको असल में 9 लोग बैठाने हैं तो। और सबसे पीछे वाली जो सीट है ये कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर भी ठीक ठाक मेरे पास नी रूम है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अब मैं इस बैक रेस्ट को रिक्लाइन नहीं कर सकता हूँ, जो कि लिमोजिन वेरिएंट के अंदर मैं कर सकता था। आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पर मेरे पास इतना नी रूम है, और अगर मैं इस सामने वाली सीट को बिल्कुल आगे ले जाऊँ तो मेरे पास इतना नी रूम आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो मूवमेंट है इन सारी सीट्स का, ये काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको जो पैसेंजर्स हैं उनकी लंबाई के अनुसार इन सीट्स को आगे और पीछे करना होगा। और इसके अलावा ये जो सब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लेदर नहीं है, ये लेदरेट है, यानी कि फॉल लेदर है। चलिए अब जो 8 सीटर वेरियंट है उसे देखते हैं। वहाँ की तरह यहाँ पर आपके पास 4 रोज नहीं है, यहाँ पर आपको 2+3, 5+3, 8 सीट्स मिलती हैं। और यहाँ पर जो ख़ास बात है वो ये है कि आप इस सीट को इस तरह से पूरी तरह उठा सकते हैं, और ये स्टैंड अप सीट कहलाती है। और अब आपके पास अंदर घुसने के लिए काफ़ी अच्छा खासा स्पेस हो गया है, तो हम लोग पीछे घुसेंगे कुछ वक्त में, लेकिन अभी के लिए हम लोग इस सीट को वापस इस तरह से रख देते हैं और बैठ के देखते हैं कि यहाँ पर आराम कितना है, स्पेस कितना है। तो ये है मेरा मिनिमम नी रूम, और ये है मेरा मैक्सिमम नी रूम। ये बेस प्रीमियम वेरिएंट है, और यहाँ पर आपको ये फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वेरिएंट्स में डिफरेंसेस हैं, वो आप प्लीज़ जो मैंने चार्ट डाला है वो देख लीजिएगा। और ये हेडरेस्ट जो है ये यहाँ पर एडजस्टेबल है, ये बीच में एक पैसेंजर के लिए जगह है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 3 लोग एक्चुअली बैठ सकते हैं मीडियम जर्नीज़ के लिए, और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। तो जो बीच वाली सीट है काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको लगभग इनोवा वाला ही फील आएगा यहाँ पर, और ये काफ़ी अच्छी काफ़ी प्लश सीट्स हैं। यहाँ पे हम लोग ज़रा पीछे भी बैठ के देख लें, और अब मैं ये स्टैंड अप जो फीचर है इसे यूज़ करता हूँ। अंदर घुसना काफ़ी आसान है, और नी रूम एक्चुअली काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और यहाँ पर 8 सीटर वेरिएंट के अंदर मेरे पास रिक्लाइन फंक्शन भी है, तो ये जो सीट्स हैं इन्हें आप एक्चुअली अगर 2 लोग बैठ रहे हैं तो मीडियम जर्नीज यानी कि लगभग 200 से 250 किलोमीटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अगर सिर्फ सिटी में चलना है तो यहाँ पर 3 लोग बैठ सकते हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छा हेडरूम है और काफ़ी एयरी लग रहा है। तो जो 8 और 9 सीट वेरिएंट है ये भी काफ़ी यूजेबल है, काफ़ी स्पेशियस है, और इनकी आखिरी रो भी मेरे ख्याल से काफ़ी यूजेबल है। बाहर निकलने के लिए आप इस स्ट्रैप को इस तरह से खींचिए और सीट को फिर से खड़ा कर दीजिए, और फिर आप इस तरह से बाहर निकल सकते हैं। एक और छोटी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस सीट को आप इस तरह से गिरा करके एक काफ़ी चौड़ा आमरेस बना सकते हैं, और यहाँ पर आपके पास ये ट्रे है और 2 कप होल्डर्स हैं। तो अगर आपको इसे सिर्फ 2 लोगों के साथ कैप्टन सीट की तरह यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको ये सारे कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से दिखा पाया, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं
पूरी तरह से फ्लैट फ्लोर है, तो आपको अपना पैर जो है उसे इधर उधर मूव करने के लिए किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, और स्पेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब हम लोग ज़रा पीछे चल के देखें और पता करें कि वहाँ पर जो सीट है वो कितनी कंफर्टेबल है। उसके लिए मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम स्पेस दिखाऊंगा, और सबसे पहले मैं इस सीट को इसके सबसे ज़्यादा आगे वाले मोड पर डाल देता हूँ, और अब हम देखते हैं कि अंदर पीछे घुसना कितना आसान है और वहाँ पर स्पेस कितना है। अब जैसा आपने देखा होगा कि अंदर घुसना ज़रा सा तकलीफदेह हो सकता है अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो लग्जरी सीट्स हैं ये स्टैंड अप सीट्स नहीं है। अगर आप लोअर वेरिएंट्स देखेंगे तो वहाँ पर स्टैंड अप सीट्स हैं जो कि सीधी खड़ी हो जाती हैं और आपके पास बहुत सारा स्पेस निकल के आता है, और वहाँ पर अंदर घुसना और भी आसान है। अब अगर मैं यहाँ पर सीट्स की बात करूँ तो ये बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं एक थर्ड रो के लिए। यहाँ पर ठीक ठाक थाई सपोर्ट भी है और बहुत ज़्यादा नीची नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं सीट को पूरा आगे कर दूँ तो मेरे पास इतना स्पेस नज़र आएगा, लेकिन अगर मैं इसे ज़रा पीछे करूँ तो पूरी तरह से इन सीट्स को पीछे कर देने के बाद में मेरी जो नीज़ है वो बैक रेस्ट के साथ में ब्रश कर रही है। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप आगे देखेंगे तो बहुत सारा स्पेस है। अगर आप आगे वाले पैसेंजर को ज़रा रिक्वेस्ट करके इस सीट को थोड़ा भी आगे करवा दें तो आपके पास अच्छा खासा नी रूम आ जाएगा, और ये कंफर्टेबल सीट्स हैं। इसे आप शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज के लिए बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास में एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स हैं, और आपके पास ये सीट बेल्ट है। दोनों साइड वाले पैसेंजर्स के लिए आपको प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेंगी, लेकिन बीच वाले पैसेंजर के लिए आपको ये लैप सीट बेल्ट मिलती है। ये सीट पॉकेट्स मिलते हैं आपको मैगजीन रखने के लिए, और एक अच्छी बात जो है वो ये है कि यहाँ पर आपको ये ब्लाइंड्स भी नज़र आएंगे। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए अलग से एक लाइट है। यहाँ पर आपके पास एक USB चार्जिंग सॉकेट है, लेकिन एक ही तरफ है, दोनों तरफ ये नहीं है। दो कप होल्डर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, और एक और जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि आपकी ये जो सीट है इसका सीट बैक काफ़ी दूर तक रिक्लाइन होता है, तो यहाँ पर आप बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और मेरे ख्याल से मीडियम डिस्टेंस जर्नीज, जैसे कि अगर आपको 200 किलोमीटर्स तक जाना है, तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी में बैठ करके आप थर्ड रो में भी जा सकते हैं। और ये जो सीट्स हैं एक्चुअली काफ़ी यूजेबल है। हालांकि तीन लोग यहाँ पे बैठेंगे तो शायद थोड़ा तकलीफदेह हो। बीच वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और ये पीछे भी बत्तियाँ लगी हुई हैं। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए अलग से AC वेंट्स हैं। हालांकि इनका जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो थर्ड जोन में ही होता है। ये पूरा जो पीछे वाला एरिया है ये थर्ड जोन में आता है, तो आप जो पीछे वाले पैसेंजर्स हैं इन लोगों के लिए एक टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। पीछे वाली जो विंडो है ये काफ़ी बड़ी है, तो पीछे आपको ऐसी घुटन महसूस नहीं होती है, एयरीनेस जो है वो इफेक्ट नहीं होती है, आपको ऐसा लगता है कि आप एक खुली रोशनीदार जगह पर बैठे हुए हैं। बीच में अगर आप बैठेंगे तो एक एडवांटेज जो है वो ये है कि आप अपने लेग्स को थोड़ा आगे की ओर स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इन तीन सीट्स को असल में आप देखने जाएँ तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तीन लोगों को बिठा करके और मीडियम जर्नीज़ के लिए दो लोगों को बिठा करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छी है। और उसके अलावा आपको यहाँ पर ये एक स्ट्रैप मिलता है जिसे यूज़ करके आप सामने वाला जो सीट है इसे झुका करके आगे और पीछे भी कर सकते हैं, ताकि आपको निकलने में सुविधा हो सके। यहाँ पर एक और जो चीज़ ज़रूरी है और मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि थर्ड रो सीट्स में भी आपको आइसोफिक्स माउंट्स मिलते हैं, तो अगर आपको बच्चों की सीट यहाँ पर लगानी है तो यहाँ पर आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पर ही आपको ये परफोरेटेड लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही लग्जूरियस चीज़ है। और थर्ड रो सीट्स की जहाँ तक बात आती है तो सबसे ज़्यादा स्पेशियस और लग्जूरियस बन के उभर के सामने आती है ये वाली सीट्स। मेरे ख्याल से इस तरह की गाड़ियों में सबसे ज़्यादा स्पेस यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बूट स्पेस जो है कुछ अलग तरह का है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारा स्पेस है, अंदर की तरफ ये ज़रा नीचे की ओर है, और यहाँ पर अगर आपको सामान डालना है तो उसे उठा करके लेना होगा कुछ इस तरीके से। ये जो बूट स्पेस यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है 540 लीटर्स का बूट स्पेस, जो कि काफ़ी अच्छा है। आपके पास जब थर्ड रोज अप है तब भी आपके पास 540 लीटर्स का बूट स्पेस है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी मिलेगा, और ये कुछ हुक्स आपको नज़र आएंगे यहाँ पर, ये भी यहाँ पर आपको एक हुक नज़र आएगा। तो ये सारी जो फीचर्स हैं ये काफ़ी अच्छी हैं। लोडिंग लिप अपने आप में बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो सामान अंदर डालना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन निकालने में ज़रा तकलीफ़ आपको हो सकती है। लेकिन जो ख़ास बात है यहाँ पर वो है ये सीट्स, क्योंकि आप इन सीट्स को इस बूट के अंदर डाल सकते हैं, और फिर ये जो पूरा लोडिंग एरिया है आपके लिए फ्री हो जाएगा, और ये करने के बाद आपको 1264 लीटर्स का बूट स्पेस निकल के सामने आएगा। अब इन सीट्स को सिंकिंग सीट्स कहते हैं, और चलिए देखते हैं कि इन्हें सिंक किस तरह से किया जाता है। आप इस हैंडल को इस तरह से खींचिए और इन सीट्स को इस तरह से दबा दीजिए, और ये सीट्स जो है वो सिंक हो गई, यानी कि गायब हो गई, डूब गई,
और आपके पास पूरी तरह से एक फ्लैट लोडिंग एरिया आ गया। और ये जो पूरा कार्गो स्पेस है इसे आप 1264 लीटर्स के स्पेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ख़ास बात है और ये सिंकिंग सीट्स जो है इस गाड़ी की विशेषता है। अब आपको अगर इन सीट्स को वापस अपनी जगह पर ले जाना है तो इस स्ट्रैप को इस तरह से खोलिए और इसे खींच करके छोड़ दीजिए और ये फिर से अपनी जगह लग जाएंगी। तो ये इतना आसान है और ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो इस गाड़ी की यूटिलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। अब एक सवाल जो आपके जहन में होगा वो ये है कि अगर बूट स्पेस इतना नीचे है तो स्पेयर कहाँ जाएगा? तो स्पेयर जो है वो यहाँ पर है इसके नीचे, और ये एक फुल साइज स्पेयर नहीं है। यहाँ पर आपको फुल 18 इंच व्हील्स मिलते हैं, अलॉयज मिलते हैं, अच्छी बात यह है, लेकिन फुल साइज स्पेयर टायर नहीं मिलता है। आपको छोटा टायर मिलता है जो कि स्पेस सेवर है और उसे आप सिर्फ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चला सकते हैं। और उसे एक्सेस करने के लिए ये यहाँ पर आपको एक कवर दिया गया है, इसे आपको यहाँ पर ऐसे खोलना होगा और इसके अंदर यहाँ पर आपको ये नट मिलेगा, इसे आप इस तरह से खोल के और स्पेयर जो है उसे लोअर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई पीछे वाली सीट्स की, जो ऑब्वियसली इस गाड़ी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे वाली सीट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि कुछ लोग इस गाड़ी को चलाएंगे भी, और लग्जरी अगर ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के लिए नहीं है तो ये भी कुछ खास अच्छी बात नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सामने वाले पैसेंजर के लिए क्या क्या फीचर्स दी गई हैं। अंदर घुसते वक्त आपको ये सीट आइडियल से ज़रा ऊँची लगेगी और एक बार बैठ जाने के बाद में आप ये पाएंगे कि ये सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है आगे पीछे रिक्लाइन एंगल के लिए, और यहाँ पर आपको ये लंबा सपोर्ट भी मिलेगा। लंबा सपोर्ट यहाँ पर टू वे है और यहाँ पर आपको ये जो डोर पैनल है यहाँ पर ये सॉफ्ट टू टच लेदर मटेरियल मिलता है, और ये एक छोटा स्पेस है जो कि डोर हैंडल के साथ साथ आपके वॉलेट को रखने के भी काम में आ सकता है। ये वुड फिनिश में है, यहाँ पर आपको ये ब्लैक प्लास्टिक फिनिश मिलेगी। ये एक छोटा पॉकेट है और यहाँ पर आपको एक बड़ी बॉटल और साथ में ये स्पेस मिलेगा जहाँ पर आप कुछ और रख सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर दिया गया है। जो विंडो के बटन से सारे ही ऑटो अप और डाउन है, ये देखिए, यहाँ से आप मिरर्स को इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो फोल्डिंग मिरर्स आपको मिलेंगे, ये देखिए, और इसके अलावा ये जो डोर पुल्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे से क्रोम में फिनिश किए गए हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको स्क्रफ प्लेट्स मिलेंगी, आपको डेड पेडल मिलता है जिससे कि आपका लंबा जो डिस्टेंस है वो आराम से आप तय कर सकें। ये फ्यूल लिड रिलीज बटन यहाँ पे आपको मिलता है, और ये जो बटन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे एक बार आप दबा देंगे तो आपका जो पीछे 220 वोल्ट का जो चार्जर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने इसे बंद कर दिया है तो वो नहीं चलेगा। यहाँ से आप ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हैं, और ये हेडलाइट लेवलर है, यहाँ से आप इल्यूमिनेशन जो है इसकी इंटेंसिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। ये यहाँ से आप बोनेट रिलीज़ कर सकते हैं। और अब चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या फीचर्स हैं। अब देखिए ड्राइवर के पोजीशन से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ बहुत ही यूरोपियन, बहुत ही हाई क्वालिटी नज़र आएगा आपको। और जनरली आपको इस तरह की लग्जूरियस फीचर्स एमपीवीज के अंदर नहीं मिलती हैं। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी लग्जरी कार के अंदर बैठे हुए हैं। ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये लेदर रैप्ड है, और यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपके पास में क्रूज़ कंट्रोल भी है, और ये बटन्स यूज़ करके आप अपना मोड चेंज कर सकते हैं। आपका जो सोर्स है उसे चेंज कर सकते हैं, आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप गानों की जो लिस्ट है उसमें आगे या पीछे जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है, यहाँ पर आपको लेफ्ट में टैकोमीटर मिलता है, राइट में स्पीडो है, ये टेम्परेचर गेज है, ये फ्यूल गेज है, और बीच में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, और ये जो है ये सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन लिमोजीन वेरिएंट में आपको मिलेगा। अब बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो कुछ वेरिएंट्स में हैं, कुछ में नहीं है, और उन्हें इस तरह से क्लासिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी इसी वक्त आपको स्क्रीन पर एक चार्ट नज़र आएगा जहाँ पर आपको तीनों वेरिएंट्स में जो जो फीचर्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। अब ये गाड़ी जो है BS6 है, तो यहाँ पर आपको आपकी गाड़ी का यूरिया लेवल नज़र आता है। यहाँ पर लगभग 14 लीटर्स का यूरिया आपको टैंक मिलता है, और जब 3.5 लीटर्स के आसपास ये आ जाता है तो आपको उसे रिफ़िल करना होता है। और यहाँ पर आपको आपकी गाड़ी का जो डायरेक्शन है वो नज़र आएगा, और ये बटन यूज़ करके आपको कौन सा मोड चाहिए, क्या आपको देखना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको चाहिए तो आपकी गाड़ी की जो सेटिंग्स हैं, डोर्स, लाइट, साउंड या फिर कन्वीनियंस से रिलेटेड, उन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं।
अब हम लोग ये स्क्रीन जरा देखते हैं, और ये वाली जो स्क्रीन है यहाँ पर, ये 8 इंच स्क्रीन है। यहाँ पर आपको दो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलते हैं, ये AVNT है यानी कि ऑडियो वीडियो नेविगेशन और टेलीमेटिक्स, और एक आपको सिर्फ AV टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम मिलता है जहाँ पर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो आपको नज़र आएगा। अब इनमें डिफरेंस प्राइमरली ये है कि यहाँ पर आपको यूवो स्मार्ट ऐप भी मिलती है, इसके द्वारा आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, नेविगेशन मिलता है इनबिल्ट, और आपकी कार जो है वो कनेक्टेड कार बन जाती है। हमने ये चीज़ सेल्टॉस में भी देखी थी, और यहाँ पर आपको ये सिर्फ जो है टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलेगा, ये फीचर आपको लोअर जो वेरिएंट है वहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए पैड मिलता है, और यहाँ पर आप अगर चाहें तो अपना सेलफोन रख दें या वॉलेट रख दें। दो कप होल्डर्स हैं यहाँ पर, ये एक स्पेस है जहाँ पर मैंने अपने रूम की की रख रखी है, और ये जो काफ़ी वाइड लेदर रैप्ड आर्मरेस्ट है, यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारा स्पेस मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक USB सॉकेट मिलता है, एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट मिलता है, और ये जो एरिया है यहाँ पर आप अपने सनग्लासेस इस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल में कवर्ड है तो आपके सनग्लासेस को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको एक कॉन्वर्सेशन मिरर मिलता है, जिससे कि आप पीछे वाले पैसेंजर्स को देख करके उनके साथ बात कर सकते हैं। जो ड्राइवर साइड सन वाइज़र है, यहाँ पर आपको ये वैनिटी मिरर मिलता है लाइट के साथ, टोल टिकट होल्डर मिलता है, और अगर आप इसे यहाँ पे देखेंगे तो ये एक्सटेंड होता है ताकि अगर थोड़ी बहुत लाइट वहाँ से आ रही है आपके फेस पे तो उसे आप ब्लॉक कर सकें, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। ये टॉप ऑफ द लाइन जो वेरियंट है, यहाँ पर आपको ऑटोडोमिक मिरर मिलेगा जहाँ पर आपको यूवो कनेक्ट जो है उसके फंक्शंस में मिलेंगे, और आप इसे SOS अगर आपको RSA चाहिए या फिर यूवो कॉल सेंटर पे आपको कॉल करना है तो इन सारी चीज़ों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बेस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। पीछे की तरह यहाँ पर भी आपको एक सनरूफ मिलती है, इसे आप ऑब्वियसली इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और आगे और पीछे दोनों ही सनरूफ्स के लिए ड्राइवर को भी कंट्रोल दिए गए हैं, तो ये वाला बटन यूज़ करके आप पीछे वाली सनरूफ यूज़ कर सकते हैं, और ये वाला बटन यूज़ करके आप आगे वाली सनरूफ जो है उसे एंगेज या डिसएंगेज कर सकते हैं। एक और जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि ड्राइवर यहाँ से पीछे वाले जो दोनों डोर्स हैं उन्हें कंट्रोल कर सकता है, इस तरह से बटन दबा करके दोनों साइड वाले डोर्स खोले या बंद किए जा सकते हैं। ये सनवाइज़र जो है ये भी राइट की तरह है, यहाँ पर आपके पास वैनिटी मिरर है, टोल टिकट होल्डर है, और ये एक्सटेंड भी होता है। अब ये जो पूरा मटेरियल यहाँ आप देख रहे हैं, ये पूरा सॉफ्ट टू टच मटेरियल है, ये हार्ड प्लास्टिक नहीं है, और इससे एक जो प्रीमियम अपील है इस गाड़ी की वो उभर के सामने आती है। ये वुड इंसर्ट्स है, साथ में आपको ये क्रोम लाइनिंग मिलेगा इधर, और जो टच एंड फील है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको सारे बटन्स, सारे प्लास्टिक्स बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। अगर आप इन नॉब्स को भी देखें, जो डायल्स हैं उन्हें देखें, तो इनका जो एक फील है ये काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ से आप जो आपकी गाड़ी का AC है, सामने का 2 जोन, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से आप चाहें तो फ्रंट पैसेंजर, ड्राइवर या फिर रियर, तीनों ही जोन्स कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, मैं अभी ड्राइवर का टेम्परेचर सेट कर रहा हूँ, ये वाला नॉब यूज़ करके आप पैसेंजर का टेम्परेचर जो है AC वेंट का वो चूज़ कर सकते हैं, और ये रेयर वाला जो नॉब है यहाँ पर, इसे यूज़ करके आप पीछे का जो टेम्परेचर है या फ्लो है उसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फ्लो कंट्रोल है, ये आपको पीछे का फ्लो भी कंट्रोल करने देता है। ये आपको डेडिकेटेड नेविगेशन मिलता है यहाँ पर, और ये आपका कस्टमाइजेबल बटन है जिसे आप अपने हिसाब से चूज़ करके डिसाइड कर सकते हैं कि ये बटन किस लिए यूज़ में आएगा। यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी जो है ये बड़ी ज़बरदस्त है, आपको 8 स्पीकर ऑडियो सिस्टम मिलता है, 400 वॉट्स हार्मन कार्डन सिस्टम मिलता है जो कि सराउंड साउंड के साथ आपके पास आता है, तो जो साउंड क्वालिटी है यहाँ पर बहुत अच्छी है। ग्लव बॉक्स अगर आप देखेंगे तो आपको ऊपर और नीचे 2 ग्लव बॉक्स मिलते हैं। ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ पर ज़रा छोटा है एरिया, लेकिन ये भी काफ़ी यूज़ेबल है। नीचे ज़्यादा बड़ा एरिया मिलता है, और हालांकि यहाँ पर एरिया आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है। अब सेफ्टी के लिहाज से अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको सेफ्टी फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं। आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, बेस वेरिएंट में 2 ही एयरबैग मिलते हैं, लेकिन जब आप ऊपर वाले वेरिएंट्स की तरफ जाते हैं तो आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। उसके अलावा आपको प्रेस्टीज वेरिएंट के बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, रोल ओवर प्रोटेक्शन मिलता है, वहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, वहाँ पर आपको कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल मिलता है, ABS विद ब्रेक असिस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको प्रेस्टीज वेरिएंट से आगे मिल जाएंगी। और सेफ्टी के लिहाज से ये गाड़ी बहुत अच्छी है, यहाँ पर टायर्स की विड्थ है ये भी बहुत अच्छी है, तो आपको ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है, तो सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, और बहुत ही अच्छे से बनाई हुई बड़ी सेफ कार है। 55% तक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, और काफ़ी स्टर्डी कार है, और मेरे ख्याल से सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा।
ओवरऑल जो स्पेस है बहुत अच्छा है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है सामने से। यहाँ पर एक ये छोटा आपको एक क्वार्टर ग्लास दिखेगा जिससे कि आपकी जो विजिबिलिटी एनहांस हो सके। ये जो ए पिलर है यहाँ पर एक छोटा ब्लाइंड स्पॉट ज़रूर बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कोई बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है, आपकी विजिबिलिटी जनरली बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये जो बटन है इसे यूज़ करके आप जो पार्किंग सेंसर्स हैं इन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं। सामने आपको पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है आपको। आप अगर चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं जहाँ पर गाड़ी का पीछे जाने का कुछ चांस है तो आप ऑटो होल्ड बटन दबा सकते हैं। उसके अलावा ड्राइवर साइड जो सीट है यहाँ पर आपको वेंटिलेशन मिलता है जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है, हालांकि ये आपके फ्रंट पैसेंजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन सामने वाला जो पैसेंजर है उसके लिए आपको ये 12 वोल्ट पावर सॉकेट मिलता है, और साथ ही साथ आपको ये एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर नज़र आएगा जहाँ पर आप चाहें तो अपना वॉलेट या फिर अगर आपको कोई कीज़ रखनी है, कोई छोटा सामान रखना है तो उसे यहाँ पर रख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर फीचर्स बहुत सारी है, और यहाँ पे आपके पास ऑटो हेडलैम्प्स भी हैं। अगर मुझे शिकायत करनी हो तो कुछ है नहीं यहाँ पे वैसे शिकायत करने लायक, लेकिन मेरे ख्याल से ऑटो वाइपर्स यानी कि रेन सेंसिंग वाइपर्स भी होते तो अच्छा रहता, जो कि यहाँ पर नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत ही छोटा ओमिशन है और इस बारे में शिकायत करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस गाड़ी के अंदर इंजन लगा है 2.2 लीटर का टर्बो डीजल, पावर आउटपुट है 200 PS, टॉर्क है 440 न्यूटन मीटर्स, और इसका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियां हैं। अगर आप इसे चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं फोर्ड एंडेवर के साथ में, अगर आप चाहें तो कंपेयर करें इसे फॉर्च्यूनर के साथ में। वेलफायर अभी जो है आने वाली है, तो यहाँ पे पावर आउटपुट बहुत अच्छा है, अपने सेगमेंट से बेहतर है, और लगभग 2 टन की ये गाड़ी है। तो चलिए देखते हैं कि चलाते वक्त इसे कितना मज़ा आता है। यहाँ पे आपको मिलता है 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, और पावर है 200 PS, टॉर्क है 440 न्यूटन मीटर्स, बहुत अच्छा पावर और टॉर्क है, और ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी जो आपको मिलती है यहाँ पर वो मिलती है 13.9 किलोमीटर्स टू द लीटर, और अगर आप इसको रियल वर्ल्ड में ट्रांसलेट करें तो आपको 9 किलोमीटर्स पर लीटर से लेकर के 11 किलोमीटर्स पर लीटर तक का फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है इस तरह की गाड़ी के लिए। ये गाड़ी जो है ये 2 टन से भी ज़्यादा है भार में, तो मेरे ख्याल से ये पावर और टॉर्क और फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, अंदर आपको किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती है। ट्रांसमिशन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 8-speed ऑटो ट्रांसमिशन है, सिर्फ एक ट्रांसमिशन आपको मिलेगा, और ये इन हाउस ट्रांसमिशन है किया का, काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पर जो गियर रेशियोज़ हैं थोड़े स्पेस्ड आउट है, तो एक रिलैक्स ड्राइविंग फीलिंग आपको मिलती है, गियर शिफ्ट्स बहुत ही स्मूथली होते हैं। यहाँ पे आपके पास में पैडल शिफ्टर नहीं है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से आप इसे राइट में मूव करके आप सिक्वेंशली गियर शिफ्ट्स कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। और ओवरऑल ये इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो जो है बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये बहुत स्मूथ गाड़ी है, 0 to 100 कोई बहुत ज़्यादा क्विक नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पर आपको 0 to 100 लगभग 14 सेकंड में मिलेगा, जो ख़राब नहीं है इस तरह के बड़े एप्लीकेशन के लिए। परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा पंची नहीं है, लेकिन फिर भी ये पावर और टॉर्क जो है मोर देन सफिशिएंट है, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पास पावर की कोई कमी है। टॉर्क बहुत अच्छा है इसके लिए, जब ये गाड़ी लोअर रेव्स में भी चलती है तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है जब आप एक्सेलेरेटर पेडल पे पैर प्रेस करते हैं। स्टीयरिंग यहाँ पर जो है ये हाइड्रोलिक है, इसलिए स्टीयरिंग काफ़ी फीलसम है, बहुत लाइट या वेग नहीं लगता है, एक अच्छा फील आता है आपको स्टीयरिंग से। और जो सस्पेंशन है सामने मैकफर्सन स्ट्रट है और पीछे मल्टीलिंक सस्पेंशन है, तो ख़राब रास्तों पर भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छे से चलती है, किसी तरह की कोई बाउंसीनेस या हार्शनेस आपको महसूस नहीं होगी। मैंने पीछे भी बैठ करके काफ़ी वक्त कल देखा कि कंफर्ट के क्या हालचाल है, और ये गाड़ी में जो थर्ड रो है, इवन जो फोर्थ रो है अगर आप 9-seater वेरियंट देखें, तो वहाँ पर भी किसी तरह का कोई बाउंसीनेस नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इस तरह की लग्जूरियस गाड़ी के लिए। तो सस्पेंशन सेटअप भी बहुत अच्छा है, NVH लेवल्स बहुत अच्छे से कंट्रोल किए गए हैं, इंजन ट्रांसमिशन बहुत स्मूथ है, और फ्यूल एफिशिएंसी भी मेरे ख्याल से इस तरह के बड़े इंजन के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर मैं सच कहूँ तो इस इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो को फॉल्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, और किया ने बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया है यहाँ पर हर चीज़ के साथ। अगर आपको थोड़ी और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए तो यहाँ पर आपके पास में एक इको मोड भी है, इसे दबा करके आप फ्यूल एफिशिएंसी को ज़रा और बेहतर कर सकते हैं। ये इंजन का बिहेवियर जो है और एसी और दूसरी पावर कंज्यूमिंग जो एमिनिटीज़ हैं उन्हें कंट्रोल करके आपको ज़रा और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मुहैया करवाती है। अब कंफर्टेबल होने के बावजूद भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हैंडलिंग आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, काफ़ी श्योर फुटेड मिलती है, और स्टीयरिंग का हाइड्रोलिक होना एक पॉजिटिव बन के सामने आता है। काफ़ी श्योर फुटेड, काफ़ी फर्म और काफ़ी रिलायबल, काफ़ी रीअश्योरिंग हैंडलिंग है इस गाड़ी की, और एक MPV की हैंडलिंग जिस तरह से होनी चाहिए उससे काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर बॉडी रोल को भी बहुत अच्छे से कंटेन किया गया है, हालांकि आप इसे एक स्पोर्ट्स कार से कंपेयर नहीं कर सकते, एक फास्ट हैचबैक से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसे एक MPV की तरह देखें तो मेरे ख्याल से हैंडलिंग यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है, और किया ने बहुत अच्छा काम किया है सस्पेंशन और शेसी।
अब डिज़ाइन की जहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर किया ने इसे काफ़ी प्रीमियम दिखाने की कोशिश करी है। ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी सड़क पे चल रही है और आपको ऐसा लगे कोई स्पोर्ट्स कार चली गई है निकल के, तो आपका हेड ऐसे टर्न नहीं होगा कि ये कोई बहुत ही विशिष्ट कार जा रही है। लेकिन अगर आप इसे नज़दीक से देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीमियम टचेज नज़र आएंगे। ये एक अंडरस्टेटेड कार है लेकिन यहाँ पर जो प्रीमियम टचेज हैं वो इसे काफ़ी रिफाइंड, काफ़ी लग्जूरियस फील देते हैं। चलिए इसकी डिज़ाइन को देखते हैं। और यहाँ पर आपको ये टाइगर नोज ग्रिड मिलती है जहाँ पर आपको ये क्रोम इंसर्ट भी मिलते हैं। ये आपको केवल हायर वेरियंट्स में मिलेंगे, लोअर वेरियंट में नहीं मिलेंगे। सामने आपको फ्रंट सेंसर नजर आएंगे और उसके साथ साथ आपको ये नीचे स्किड प्लेट भी मिलेगी जो कि सिल्वर में फिनिश्ड है। नीचे वाला जो बम्पर है यहाँ पर भी आपको ये ग्लॉसी ब्लैक के अंदर इंटेक नजर आएगा जिससे कि ये गाड़ी थोड़ी स्पोर्टी नज़र आती है। और ये जो फॉग लैंप्स आप देख रहे हैं इसे किया आइस क्यूब डिज़ाइन बोलता है और ये देखने में वाकई में काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक इंसर्ट्स हैं, साथ में आपको ये क्रोम सराउंड्स मिलते हैं। अगर आप ये लाइट यहाँ पर देखेंगे तो ये लाइट जो है एसेंशियली DRL नहीं है, ये पूरा टाइम चालू नहीं रहती है लेकिन DRL की तरह ही काम करती है। और ये पोजिशन लाइट है। और उसके अलावा ये जो हेडलैम्प्स आप देख रहे हैं ये LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। अब ये जो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं ये आपको सिर्फ जो टॉप टू वेरिएंट्स हैं वहीं पर मिलेंगे, नीचे वाले वेरिएंट में आपको नॉर्मल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे। ये जो टर्न इंडिकेटर है ये यहाँ पर बल्ब है। और अगर आप ये टाइगर नोज ग्रिल देखें, इस गाड़ी का सामने का स्टांस देखें तो काफ़ी अपीलिंग बन के सामने आता है, काफ़ी प्रीमियम लगती है ये गाड़ी। और जो दूसरी इस तरह की MPVs हैं उनसे डेफिनेटली ज़्यादा विशिष्ट लगती है, ज़्यादा बेहतर लगती है। चलिए अब जरा इसे साइड से देखते हैं और मैं इसके डायमेंशंस की भी ज़रा बात करूँ तो आपको ये बता दूँ कि ये गाड़ी इस तरह के MPVs में सबसे ज़्यादा लंबी चौड़ी है। अगर आप टोयोटा इनोवा से इसे कंपेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है उससे। अगर आप इसे टोयोटा वेलफायर जो कि एक प्रीमियम MPV है उससे भी कंपेयर करें तो ये उससे भी ज़्यादा लंबी है, उससे ज़्यादा चौड़ी है। लेकिन उतनी ऊंची नहीं है, ऊंचाई में ज़रा कम है लेकिन उससे डेफिनेटली लंबी और ज़्यादा चौड़ी है। इसका व्हील बेस भी उससे ज़्यादा लंबा है। इनफैक्ट अगर आप इसे मर्सिडीज़ की वी क्लास से भी कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे से कॉम्पीट करती है। हालांकि उतनी बड़ी नहीं है लेकिन बहुत ही छोटा डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में, तो स्पेस जो है इसके अंदर बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो आपको ये 18-inch व्हील्स नज़र आएंगे और ये जो क्रोम व्हील्स हैं इन्हें स्पटरिंग फिनिश व्हील्स कहते हैं। ये पूरी तरह से आप जैसे देख रहे हैं बफ्ड क्रोम है, बहुत ही हाई क्वालिटी क्रोम इफेक्ट यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो क्रोम इफेक्ट है ये आपको सिर्फ लिमोजीन वेरिएंट में मिलेगा। नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको क्रिस्टल कट व्हील्स मिलते हैं, वो भी 18 इंच है। यहाँ पे आपको 235 सेक्शन MRF वॉन्डरर टायर्स मिलेंगे और ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये 180 mm का मिलता है अनलेडन। जब आप बैठ जाएंगे तो ये ज़रा कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये LED ब्लिंकर्स मिलेंगे यहाँ पर और ये क्रोम लाइनिंग मिलेगी ग्रीन हाउस एरिया के पास। क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ, काफ़ी बड़े डोर्स हैं, अंदर घुसना काफ़ी आसान है। ये जो डोर है ये पूरी तरह से पीछे जाता है, आपने देखा था। और रूफ़ जो है यहाँ पर आपको ये फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट मिलता है, ऐसा लगता है कि ये जो रूफ़ है ये डिसकनेक्टेड है और ये फ्लोट कर रही है। और इसके अलावा आपको ये रूफ रेल्स भी मिलते हैं जो कि सैटिन सिल्वर में फिनिश्ड है। पीछे की तरफ आप आके देखेंगे तो आपको ये शार्क फिन एंटेना और ये स्पॉयलर मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रेयर डिफॉगर्स, वाइपर। और अगर आप स्टाइलिंग के लिहाज से बात करें तो आपको यहाँ पर ये LED टेल लैंप्स मिलते हैं। अब ये जो स्टॉप लैंप्स हैं, जो ब्रेक लैंप्स हैं, ये LEDs हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप रिवर्स लाइट और ब्लिंकर्स देखेंगे तो ये बल्ब्स हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर आपको ये LEDs नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपको टेल लैंप जो है ये जो ब्रेक लाइट्स हैं ये भी बल्ब्स मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये बहुत ही अच्छा एक क्रोम गार्निश मिलता है जिससे कि गाड़ी की जो विड्थ है, एक विजुअल विड्थ है, वो उभर के सामने आती है, गाड़ी ज़्यादा वाइड लगती है। और यहाँ पर भी आपको आगे की तरह नीचे ये एक स्किड प्लेट मिलती है। यहाँ पर आपके पास में रियर व्यू कैमरा है और जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है ये इल्यूमिनेटेड है। और इन सब चीज़ों के साथ ही यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक एरिया मिलता है जिससे कि सामान जब आप डाल रहे हो या निकाल रहे हो तो उससे जो पेंट क्वालिटी है उस पर किसी तरह का कोई फर्क ना पड़े। ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी भले ही नज़र ना आए, बहुत ज़्यादा आई कैचिंग भले नज़र ना आए, लेकिन आप इसे नज़दीक से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये लगेगा कि ये बड़ी प्रीमियम, बड़ी लग्जूरियस गाड़ी है। अंडरस्टेटेड है लेकिन इसमें एक टच ऑफ क्लास है जो डेफिनेटली इसे विशिष्ट बनाता है। तो आखिर किसके लिए है किया कार्निवल? इस तरह का एक प्रीमियम लग्जरी MPV सेगमेंट जो है वो इंडिया में अभी तक मौजूद नहीं है और किया का कहना है कि वो इस मार्केट को खोलेंगे, इस सेगमेंट को क्रिएट करेंगे। आज के दौर में अगर आप देखें तो इनोवा क्रिस्टा जो है काफ़ी महंगी है और काफ़ी अच्छे नंबर्स में बिकती है, लेकिन क्या उसके ऊपर भी एक प्रीमियम लग्जरी MPV का एक मार्केट है? किया का मानना है कि इस तरह का मार्केट मौजूद है। पोजिशनिंग के लिहाज से अगर बात करें तो प्राइसिंग में वो लोग इसे कहीं ना कहीं टोयोटा फॉर्चूनर और फोर्ड एंडेवर के आसपास प्राइस करना चाहते हैं। स्टार्टिंग प्राइस मेरे ख्याल से इस गाड़ी की लगभग 27-29 lakh रुपीज़ होनी चाहिए, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो मेरे ख्याल से 30+ जाएगा डेफिनेटली।
अब इस तरह का जो एक व्हीकल है इसका मार्केट कहाँ पर है? तो किया का कहना है कि जो एक रिच क्लास है, जो एक संपन्न क्लास है, अगर आप पॉलिटिशियंस की बात करें या फिर अगर आप जो संपन्न बिजनेस फैमिलीज़ हैं उनकी बात करें जिन्हें अपनी फैमिली को बहुत ही लग्जरी में साथ लेकर के चलना है, तो उन लोगों के लिए ये गाड़ी किया के अनुसार काफ़ी सूटेबल रहेगी। उसके साथ साथ अगर आप होटल बिज़नेस देखें तो जो लग्जरी होटल्स की फ्लीट्स होती हैं वहाँ पर भी इस गाड़ी की काफ़ी डिमांड हो सकती है। अब अगर हम लोग रिलेटिव टर्म्स में बात करें तो बहुत ज़्यादा नंबर्स ये गाड़ी मेरे ख्याल से नहीं करेगी, लेकिन किया का ये मानना है कि अपने विशिष्ट फीचर्स के साथ में, अपनी लग्जरी के साथ में, अपने कम्फर्ट के साथ में ये गाड़ी डेफिनेटली एक मार्केट अनलॉक करेगी और कुछ अच्छे नंबर्स में बिकेगी। किया कार्निवल 3 कलर्स में उपलब्ध है और आप इसे ब्लैक, सिल्वर और पर्ल वाइट कलर्स में ले सकते हैं। प्राइसिंग मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल से 27-30 प्लस की इसकी प्राइसिंग रहेगी और कितने नंबर्स में बिकेगी ये हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन जो हम आपको बता सकते हैं वो ये है कि बहुत ही लग्जूरियस गाड़ी है, बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है और इस तरह का एमपीवी फ़िलहाल इस मार्केट में नहीं है। टोयोटा की वेलफायर आने वाली है जो इससे ज़रा छोटी होगी, लेकिन हम अगर अपने इंस्टिंक्ट्स को माने तो वो गाड़ी इससे ज़रा ज़्यादा महंगी होगी। मैं आशा करता हूँ कि मैं इस वीडियो के द्वारा आपके किया कार्निवल से संबंधित सारे सवालों के जवाब दे पाया, लेकिन फिर भी आपके अगर कोई सवाल है तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उन सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। और हमें आप लाइक करें, ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ़।